Today we will discuss about absorption and conduction through roots. ठीक है कि कैसे absorption होगा, कैसे conduction होगा water का और minerals का. ठीक है, यही दो main important तत्व हैं जो क्या होते हैं, supply होते हैं. ठीक है, कैसे supply होते हैं, root से stem में and stem से further leaves में. This is the transport pathway. तो देखिए common sense की बात है ना, I have told roots कहाँ होती हैं, roots is a base. बिल्कुल नीचे रूट्स होती हैं, ओके? उसके ऊपर क्या है, स्टेम, और फिर लीव्स होती हैं. सो कॉमन सेंस से अगर आप अप्लाई करके बोलें, सो ये कौन सा पाथवे है, इज दिस अ डाउनवर्ड पाथवे और इज दिस अ अपवर्ड पाथवे. सो ऑब्वियसली रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ अपवर्ड पाथवे. ठीक है, तो जो कंडक्शन है वाटर का और मिनरल्स का, नीचे को तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा. So there is a upward conduction through stem. Okay. So there are five phenomena. ठीक है, पांच ऐसे phenomena है कि जो इस process के लिए responsible है, इस conduction के लिए responsible है, absorption के लिए responsible है. क्या mechanism है, उस mechanism के अंदर पांच phenomena आते हैं. And वो कौन कौन से हैं? First is imbibition. Okay. Diffusion, osmosis, active transport, turgidity and flaccidity. इसी को हम plasmolysis भी कहते हैं. अब इनको एक एक करके हम discuss करेंगे detail में, okay? So first of all we will talk about what is imbibition. देखिए simple भाषा में अगर मैं कहूँ imbibition का मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप बादाम भिगोते हैं, ठीक है, आपने रात को भिगो दिए, बादाम भिगो दिए, या मेथी भिगो देते हैं, ठीक है, कुछ भी, या चने भिगो दिए, ठीक है, सुबह तक आप देखेंगे जब आपने भिगोए थे देन दे वर ड्राई, उनका साइज भी छोटा था और वो ड्राई थे. लेकिन जब वो पूरी रात भर पानी में रहते हैं तो सुबह आपको क्या देखने को मिलता है, दैट साइज इज लार्ज. पहले ड्राई हमने डाले थे तो उन्होंने वाटर को एब्जॉर्व कर लिया रात भर, एंड देन दे एनलार्ज्ड इन साइज. ओके, सो व्हाट इज इम्बाइबिशन, इसी प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहा जाता है. ये जो एक साइज में चेंज आया, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ ना वाटर का, ठीक है, और क्या हुआ, वो साइज बढ़ गया किसी भी चीज का. ओके, सो व्हाट इज इम्बाइबिशन, इट इज द फिनोमिनन बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन. ठीक है, यहां पर क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिससे कि लिविंग भी और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब द वाटर बाय द सरफेस अट्रैक्शन. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. देखिए क्या होता है ना कि बॉडी फूल जाती है, सपोज कीजिए चाहे वो लिविंग तो फूलेगी, आप पानी पीते जाओ, सपोज कीजिए आप बहुत ज्यादा पानी पी लें तो आपका पेट क्या होता है, फूल जाता है. लिविंग बॉडी की बात करो, डेड है, सपोज कीजिए कोई डेड बॉडी वो पानी में तालाब में गिरी थी तो आप उसमें भी देखेंगे पानी एब्जॉर्ब हुआ होगा काफी और वो बॉडी आपको स्वेल्ड मिलेगी. सो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो इम्बाइबिशन. ठीक है, लेकिन वो बायोलॉजिकल सेंस में एनिमल्स या लिविंग ह्यूमन बींग्स में अलग तरह का है. प्लांट्स की अगर बात करें, ये जो जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, मैंने डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ किया है वही चीज कि रात को आपने क्या किया, आपने कोई मटर के दाने या कोई भी राउंड चीज है, चने आपने भिगोने रख दिए, ठीक है, पानी में, ठीक है, पानी का लेवल उस टाइम हाई था. सुबह तक आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद क्या हुआ कि ये जो है ये साइज में बड़े हो गए, दी स्मॉल पार्टिकल्स तो नहीं, दी स्मॉल ये जो दाने थे, ठीक है, ये क्या हो गया, एनलार्ज कर गए साइज में. सो व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन्होंने ये जो वाटर था इसको एब्जॉर्ब कर लिया. देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके, एब्जॉर्प्शन हुआ तो साइज एनलार्ज हो गया और वाटर का अमाउंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे रिड्यूस हो गया. ओके, सो दिस फंडा, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज इम्बाइबिशन. सो इम्बाइबिशन रिजल्ट इन द इंक्रीज साइज. ओके, एंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इम्बाइबिशन आपको कहाँ देखने को मिलती है प्लांट्स में, फर्स्ट इज जर्मिनेटिंग सीड्स में एंड सेकेंड इज एसेंट ऑफ सैप में आपको ये प्रोसेस देखने को मिलती है. ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड फिनोमिनन, दैट इज डिफ्यूजन. देखिए डिफ्यूजन का सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल मैं आपको मीनिंग बताऊं, डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. लेकिन कौन सी जगह से कौन सी जगह जाना, देखिए जहां पे कोई चीज कम मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, वहां से वो कहां जाएगी, कम मात्रा वाले में.
समझ रहे हैं? मीन्स कोई चीज़ है, सपोज कीजिए एक सिंपल सा अपनी बॉडी पे एग्जांपल लीजिए, जैसे कैंसर जब होता है, ठीक है, कैंसर एक सेल से होना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे फैलता जाता है, फैलता जाता है, ठीक है, उसी तरह से मीन्स उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती जाती है, टाइम के साथ ज़्यादा होती जाती है, ठीक है, वो तो बेसिकली डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, अब जिस एक पॉइंट पे ज़्यादा हुई कंसेंट्रेशन, वो उन एरियाज को भी खत्म कर देगा जहां पे कैंसर नहीं है, नॉर्मल एरियाज को भी अफेक्ट करेगा, दैट मींस वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? सो सिमिलरली अगर प्लांट्स के केस की हम बात करें, प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। एक और सिंपल सा एग्जांपल सपोज कीजिए, क्या होता है, किसी ने अगर परफ्यूम यूज किया हो, ठीक है, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, तो दैट मीन्स जिस व्यक्ति ने परफ्यूम यूज किया है वहां पे उन परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जब आप डिस्टेंस में हैं तो क्या हो रहा है, आपको हल्की हल्की खुशबू आ रही है, दैट मीन्स हायर कंसेंट्रेशन से उस व्यक्ति से खुशबू कहाँ को जा रही है, आपके पास आ रही है, दैट मीन्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर एरिया ऑफ कंसेंट्रेशन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। पार्टिकल्स कैसे भी हो सकते हैं, इट मे बी सॉल्यूट, इट मे बी सॉल्वेंट, इट मे बी गैस, ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट गैस कुछ भी हो सकते हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन व्हेन टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मेरे से 2 किलोमीटर दूर खड़ा है और उसने परफ्यूम लगाया तो मुझे स्मेल आ जाएगी, नो जब हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे, सपोज कीजिए वो व्यक्ति मेरे बिल्कुल पास खड़ा है या जिस रूम में मैं हूं वहीं वो खड़ा है, देन आई कैन सेंस दैट स्मेल, ओके, सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे आपस में। सपोज कीजिए ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, आपने एक डाई लिया, डाई क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड, सपोज कीजिए आपने एक डाई लिया, ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है इस बीकर में, दैट इज डाई एंड ब्लूइश इज वाटर, ओके, जब आपने ये डाई लिया तो धीरे धीरे डिफ्यूजन अभी क्या होगा, स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्टेड स्टार्ट हो रहा है डिफ्यूजन, ठीक है, मींस ये जो डाई के पार्टिकल्स हैं ये वाटर में जाना शुरू होंगे, ठीक है, मींस या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो इनमें डिजोल्व होना शुरू हो, है ना, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, देखिए ये वाटर था इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अब ये वाटर डाई की तरफ क्या कर रहा है, डाई में डिजोल्व होने शुरू हो गया, सो दिस इज डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ। अगली स्टेज में आप देखेंगे प्रोग्रेसिंग, यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ, दैट मींस ये जो डाई के पार्टिकल्स हैं ये काफी हद तक वाटर में डिजोल्व हो गए, ठीक है ना, मींस वाटर क्या कर रहा है, अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर वालों की तरफ जा रहा है, ठीक है, वैसे ही कंप्लीट हो गया फाइनली, क्या हुआ, देखिए जब डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, अगर उसने परफ्यूम लगाया है तो आई कैन ऑल्सो सेंस दैट, दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी, आई कैन ऑल्सो सेंस दैट परफ्यूम। सिमिलरली यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, जब उस वाटर ने डिफ्यूजन शुरू किया एंड एंड तक आते आते दोनों का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, आपस में वो डिजोल्व हो गए, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन यूनिफॉर्म हो गया, सेम जैसा हो गया, ठीक है, सो डिफ्यूजन में यही होता है। और एक चीज याद रखिए, जैसे अगर मैं इसी को स्पून से शेक करना शुरू कर दूं, यही सॉल्यूशन, वैसे तो टाइम के साथ साथ ये प्रोसीजर खुद हो जाएगा, ठीक है, आप देखते हैं, आप चीनी वाला पानी रखिए, ठीक है, तो चीनी जो है कुछ टाइम लेगी अगर आप उसको शेक नहीं करेंगे ना, व्हेन यू विल नोट लाइक यू नो सर्कुलिंग मूवमेंट आप उसमें नहीं देंगे तो चीनी टाइम लेगी डिजोल्व होने में, लेकिन हो जाएगी, वैसे ही यहाँ पर है। अब मैं इसी को अगर स्पून से ऐसे टिल्टिंग करती रहूँ डिजोल्व करती रहूँ, देन क्या होगा, डिफ्यूजन विल बी फास्टर, ओके, सो ऑन शेकिंग द डिफ्यूजन रेट इंक्रीजेस, ओके, सो ये था हमारा डिफ्यूजन सेकेंड।